जहां इस वक्त भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं और नई नई पंडित कॉलोनियां जो है कश्मीर में तामीर हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कश्मीर के हालातों को लेकर यहां पर कश्मीरी पंडित जो है गुज़िश्ता कई माह से प्रोटेस्ट पर है और क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं सीधे आपको इनसे मुखातिब कराते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, कई टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट पर है, क्या है आपकी जेन्युइन डिमांड्स अगर हम बात करें? देखिए सर, हमें 218 दिन हो गए हैं जम्मू में प्रोटेस्ट करते हुए। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई चॉइस से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे सरकमस्टांस नहीं है। हमने सरकार से पिछले 12 महीने में अगर आप देखेंगे कि पाँच हिंदू एम्प्लॉयज़ की दफ्तरों में शहादत हुई है और दो एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज की शहादत हुई है, तो उस डर के माहौल में हमारे वो सर्कमस्टांसिस बना दिए गए कि हमको जम्मू में आना पड़ा और हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमारी सरकार से यही मांग है कि जब तक वहाँ की सुरक्षा स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए हमको जम्मू में रिलोकेट किया जाए। पर आप देखिए सर, सरकार इतनी इंसेंसिटिव है कि बजाय हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बजाय उन्होंने हमारी सैलरियाँ तक रोक दी गई है। हम सरकार से एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या एक एम्प्लॉई सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही होता है? क्या एक एम्प्लॉई सिर्फ अपने वर्क देने के लिए ही होता है? एक एम्प्लॉई की एक मेंटल सिक्योरिटी होती है, वो मेंटल पीस में जीना चाहता है, उसकी इमोशनल हैप्पीनेस जुड़ी होती है। आपने उसकी ना मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस और इमोशनल हैप्पीनेस को दूर किए बजाय आप उसको उस नर्क में झोंक रहे हो। कल ही TRF ने एक और लिस्ट जारी की जिसमें 17 एम्प्लॉयज़ का नाम था। यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर ट्रांजिट अकोमोडेशन बना रहे हैं उनको भी थ्रेट आई कि इनके लिए कोई अकोमोडेशन ना बनाई दी जाए। हम सरकार को यही पूछना चाहते हैं कि इस हालात में हम वहाँ पर रहने कैसे जाए? आप हमें रोड मैप बताइए, आप हमसे मिलिए, हमें रोड मैप बताइए कि हम वहाँ पर इस स्थिति में कैसे रहे, और जब तक वहाँ की स्थिति ठीक नहीं हो जाती हमको जम्मू में लाया जाए, हमको यहाँ पर रिलोकेट किया जाए फॉर टाइम बींग। तो आपको लग रहा है कि सरकार आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे भेजना चाहती है? सर, सरकार ने 27 मई के बाद हमारे साथ कोई मीटिंग की ही नहीं। आप बताइए क्या दर्शाता है सरकार के पार्ट पे? वो हमसे हमारे पास आ नहीं रहे हैं मीटिंग करने के लिए, वो बायोमेट्रिक ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, सैलरीज बंद की कर दिए गए हैं। ये तो हमारे साथ वो जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपको वहाँ पर ड्यूटी रिज्यूम करनी ही होगी। यहाँ तक कि LG साहब का भी परसों का बयान था कि हमने इनके साथ मीटिंग की हुई है, इनको हमने प्रमोशंस दिए हैं। आप मुझे बताइए क्या प्रमोशन देने से एक इंसान सुरक्षित हो जाता है? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का, कपन ट्रांसफ़र का। आप उसका और ज़िंदगी का मुद्दा दोनों एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप हमें बताइए आपने हमारे लिए कैसा रोड मैप बनाया है वहाँ पर कश्मीर में? अगर हम हालिया दिनों की बात करें तो वहाँ पर जो कॉलोनियाँ नई तामीर हो रही है, बाज़ाब्ता तौर पर उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कि कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर लाया जाए, तो ये जो तामीर शुदा कॉलोनीज़ है, क्या लग रहा है आपको ये सारी फ्रूटाइल एक्सरसाइज? सर, मैं पहले गवर्नमेंट को ये बोलना चाहती हूँ, जब हमारा वहाँ पर हमारी वहाँ किलिंग हो रही है, ऐसे करते करते अगर एक दिन हम सब मर जाए तो उन कॉलोनीज़ में रहेगा कौन? पहले आप ये तो कर लीजिए कि हमारी जानें बचा लीजिए, पहले हमें सिक्योर तो कर लीजिए, तब जाके अगर आप कोई कॉलोनी डिसाइड करते हमारे लिए तो तब बात बनती है। लेकिन आप पहले हमें बोल रहे कि चलो गाय बकरियों की तरह आपको एक कॉलोनी में एक कमरे में बिठा देते और बॉन्ड तो लिख के दिए आप, हम तो है ही बॉन्डेड लेबर, लेकिन आप उसको आप अप्लाई कर रहे हो कि हाँ ज़बरदस्ती आपको एक कमरे में रख देंगे, हम उस कमरे से आपको सिर्फ ऑफिस जाना और ऑफिस से यहाँ आना, मतलब हम एक केज में हैं। आप क्या कहना चाहते हो? ये ज़बरदस्ती है, हमें अगर वो बुला रहे हैं तो वो ये ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना मन तो नहीं है ऐसे हालातों में वहाँ जाने का। हम वहाँ तभी जाएंगे जब आप वहाँ का माहौल सिक्योर करेंगे, तब तक तो नहीं जाएंगे हम। जो वादे BJP ने 2019 के बाद किए थे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी पंडितों को ठीक तरीके से सही हालातों में रिहैबिलिटेट किया जाएगा, लग रहा है आपको कि वो वादे वफा नहीं हुए? सर, BJP बेशक उन्होंने वादे किए हैं, शायद से वो उन पर काम भी कर रहे हैं, हम उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर रहे, ना ही हम उन्हें किसी बात के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे, लेकिन जो सरहद पार से आके लोग हमें डरा रहे हैं, हमारी जानों के दुश्मन बन बैठे, हमारा उनके साथ मतलब है कि हम उनके साथ मतलब इस माहौल में हम उनके लिए वहाँ तो नहीं जाएंगे कि हम बलि का बकरा हम बोलेंगे आ बाल मुझे मार, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। हम तब तक यहीं पे हैं, हमें यहाँ तब तक आप रिलोकेट कर लीजिए, अटैचमेंट कर लीजिए, जब तक आप वहाँ का माहौल सिक्योर नहीं कर देते। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर कश्मीरी वहाँ जा रहा है तो किस बलबूते पर जाएगा वो,
सड़कों पे मरने के लिए, ऑफिसेज में मरने के लिए। अब एकोमोडेशन की बात करें, राहुल भट्ट जी के पास भी तो एकोमोडेशन था, वो भी तो ट्रांसिट कैंप्स में ही रहते थे, लेकिन फिर भी ऑफिस में मारा गया। जब ऑफिस सिक्योर नहीं है, एकोमोडेशन सिक्योर नहीं है, तो आप मुझे बताइए कौन सी जगह ऐसी सिक्योर है जिस बलबूते पर आप हमें वहाँ भेज रहे हैं। हम तो ऐसे हालातों में वहाँ नहीं जाएंगे। अब अगर बात की जाए आज के हालातों के, गुज़श्ता कई माह से आप धरने पर है, यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे, क्या सरकार आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते? सर सुन ही नहीं रहे, यही तो इशू है कि वो सुन ही नहीं रहे। 218 दिन हमें हो गए यहाँ पे आज यही चीज़ बोलते हुए। डे फर्स्ट से हमारी सिर्फ एक सिंगल जेन्युइन डिमांड है कि हमें रिलोकेट कीजिए, हमें हमारी जानों को सुरक्षित कर लीजिए, बट वो इस चीज़ पे कोई संज्ञा ही नहीं लेती है। लेकिन हम भी तब तक नहीं हटने वाले जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती। आज क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में खुद काम करते हैं? जी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आपकी सैलरी? जी हाँ, 7-7 महीने से हमारी सैलरीज बंद है। अब हम अपनी जानों को बचाने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं यहाँ पे। हम बोलते नहीं चलो सर्कल, किसी का रुकना नहीं चाहिए, किसी के पेरेंट्स बीमार है, किसी के बच्चों का कोई खर्चा है, स्कूल एजुकेशन फीस वगैरह जो है सब कुछ हम एक दूसरे की हेल्प करके क्रेडिट लेके कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये चीज़ पर नज़र नहीं डालेगी, जो जेन्युइन डिमांड्स है वो चीज़ सरकार नहीं देखेगी। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर देखेगी कि आपको बायोमेट्रिक करने के लिए वहाँ आना और अपनी जाने देने के लिए वहाँ आना, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करेंगे तब तक जब तक आप हमें सिक्योरिटी नहीं देते। और हम तब तक यहीं पे हैं, हमें रिलोकेट कर लीजिए, पहले वो जोन टेरर फ्री घोषित। व्यूवर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 208 दिनों से लगातार कश्मीरी पंडित जो है धरने पर बैठा है, सरकार से मुतालबात कर रहे हैं कि जब तक ना कश्मीर में हालात ठीक हो जाए तब तक ये कश्मीर आना नहीं चाहते हैं।